तो दोस्तों, अगर आप 15,000 रुपये के आसपास पे कोई बजट स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं जो कि अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दे सके, तो यहाँ पे दोस्तों आज मैं एक स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि वीवो की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। और ये स्मार्टफोन है दोस्तों वीवो Y33e स्मार्टफोन, जो कि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और ये स्मार्टफोन दोस्तों फिलहाल चाइना में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। और इससे पहले दोस्तों वीवो ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि वीवो Y33s के नाम से देखने को मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीवो Y33e स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आशीष क्रिकेटर AK9 टेक्निकल से। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 6.51 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को जाता है। तो यूजर्स को काफी पसंद आने वाला है ये स्मार्टफोन। यहाँ पे दोस्तों LCD डिस्प्ले पैनल देखने को जाता है, HD+ डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्ट रेशियो की बात करें तो 20:9 का दिया गया है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 88.99% का देखने को जाता है। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ठीक ठाक हमें देखने को जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा निराश करती है यूजर्स को, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश रेट 16Hz का दिया गया है। अगर इस स्मार्टफोन में 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाता तो यहाँ पे स्क्रीन काफी ज्यादा स्मूथ होती इस स्मार्टफोन की। यहाँ पे दोस्तों सेल्फी के लिए नॉच दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये बजट स्मार्टफोन ठीक ठाक है डिस्प्ले के मामले में। अगर इस फोन की कैमरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। रियर में दोस्तों डुअल कैमरा सेटअप देखने को जाता है, जिसमें कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को जाता है। कैमरा फीचर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड, नाइट सीन, टाइमलेस जैसे फीचर देखने को जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यूजर्स को काफी पसंद आने वाला है इस स्मार्टफोन की कैमरा फीचर्स। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि ओरिजिन ओएस ओशन UI स्क्रीन पे रन करता है। चिपसेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे डायमेंसिटी 700 का दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहेगा। यहाँ पे दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी को बढ़ाने के लिए SD कार्ड स्लॉट दिया गया है। बैटरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। तो यूजर्स अगर नॉर्मल यूज करते हैं दोस्तों तो 2 दिन तक बैटरी आराम से चल सकता है। और वहाँ पे दोस्तों गेमिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे 6 से 8 घंटा तक बैकअप हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 10 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अदर कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों सिंगल वेरियंट में लॉन्च किया गया है, जो कि 4GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों यूजर्स को काफी बढ़िया स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 15,000 रुपये के आसपास में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।